Assalamu alaikum, my name is Hashir Sham Khan, son of Isham Usama Khan, grandson of Usama Tariq Khan, and I belong to a Pathan family. I would like to thank MM Talks to invite me over here and let me share my personal experience of how I got this full college sports pleasure at HSN College and was the best leaving sportsman of my batch. एच सन के अंदर स्पोर्ट्स मैंने शुरू की थी वो मैंने अपने फादर और ग्रैंड फादर के से शुरू की थी जिस तरह वो उनको देख देख के वो करते थे स्पोर्ट्स तो मैंने भी उनमें इंडल्ज हो गया था करने का और मैंने एच सन के अंदर जब आया था मेरा एक ही गोल था क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को भी देखता था उनके पास ये स्पोर्ट्स ब्लेजर था और ये काफ़ी लिमिटेड लोगों को मिलता था तो मैं उसके पीछे लगना शुरू हो गया था अर्ली एज के अंदर जी मैंने मेरे फादर ने मुझे एनरोल करवाया था मॉडल टाउन फ़ुटबॉल अकेडमी के अंदर और वहाँ से मैंने अपनी फ़ुटबॉल शुरू की थी व्हेन आई वाज इन क्लास थ्री और मेरा में एडमिशन भी क्लास थ्री में हुआ था मैंने वहाँ से फ़ुटबॉल खेलता था मॉडल टाउन के अंदर और मुझे याद है मेरी मदर वो ग्राउंड के वॉक करती थी जब तक मैं एक दो घंटे फ़ुटबॉल खेल रहा होता था तो वो मेरा वेट कर रही होती थी और मेरा वहाँ से बेसिस बनी थी लेटर ऑन मैंने अपने फ़ादर को ज्वाइन कर दिया था गार्डन टाउन फुटबॉल ग्राउंड में टीम उनकी थी जी टी टी के नाम से तो उसमें मैं खेलना शुरू हो गया था वहाँ पे वो भी खेलते थे और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी खेलते थे तो उनको देख के मैंने भी फ़ुटबॉल ऑल लर्न की थी और उस तरह मैं सीख किया था फ़ुटबॉल के बारे में मेरा लेटर ऑन हॉकी में भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे तारिक इस्माइल ख़ान वो हॉकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे और उन वो उस टाइम पे अफगान हॉकी क्लब और तारे इस्माइल हॉकी क्लब दो हॉकी क्लब्स भी चला रहे थे तो उनसे इंस्पायरेशन लेके क्योंकि मेरे दादा उनकी स्टोरी सुनाते थे और मेरे फादर भी तो मैंने हॉकी शुरू की थी जब 2016 में मैं प्रेप स्कूल में था मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे कैप्टन बनाया गया था अपने मक्सी हाउस की टीम का जिसके अंदर एक लीग होती है फ़िफ्टीन हाउसेज़ होते हैं उसके अंदर और फुटबॉल लीग शुरू हुई थी उसके अंदर आई वॉज द विनिंग कैप्टन और हमारी टीम जीती थी मुझे फाउंडर्स डे पे फुटबॉल ट्रॉफी के अवार्ड भी मिला था वहाँ से मैंने एक इम्पैक्ट बनाया था और मेरी रिकगनीशन हो गई थी जिस सन के अंदर एज अ स्पोर्ट्स मैन मैं फिर सीनियर स्कूल के अंदर आया था इन क्लास नाइन ओ लेवल फर्स्ट ईयर के अंदर और सीनियर स्कूल के फाइव ईयर्स होते हैं सीनियर स्कूल हमारा मेन एक मेन पॉइंट है जहाँ से आपका ये जो फुल कॉलेज ब्लेज़र है इसकी एलिजिबिलिटी शुरू होती है कि यू आर एलिजिबल टू गेन इट इसका क्राइटेरिया होता है कि पूरे करने होते हैं आपने 2.5 पॉइंट्स अपने जिसके अंदर आपके हर एक स्पोर्ट्स हॉकी फुटबॉल क्रिकेट एथलेटिक्स के कलर्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर जो गोल्ड कलर होता है उसका वन पॉइंट होता है जो सिल्वर कलर होता है उसका हाफ़ पॉइंट होता है तो मैंने उसके लिए एक अपना प्लान बनाया था अपने सीनियर्स से जिनको अचीव किया था जिन्होंने ब्लेज़र उनसे बात की थी और अपने कज़न से बात की थी जिनके पास ब्लेज़र था तो उन्होंने मुझे गाइड किया था और मैंने अपना प्लान बनाया था कि मैंने कौन कौन सी स्पोर्ट्स को फोकस करना है और टारगेट करना है तो इन दी एंड मैंने क्योंकि फुटबॉल पहले से मैं खेलता था मैंने हॉकी एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री ये तीन स्पोर्ट्स हैं जिनको मैंने टारगेट किया था एचसन के अंदर ओ लेवल थर्ड ईयर के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम जब हमारा एलिजिबिलिटी कॉलेज टीम्स के अंदर हम इनरोल होना शुरू हो जाते हैं मैंने फुटबॉल की एक लीग फिर से हुई थी सेकेंड लीग जिसमें ओपन एज ग्रुप होता है उसमें हर एक एज ग्रुप खेल रहा होता है क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और उसके अंदर भी मैं लीग जीता था एज अ विनिंग कैप्टन था हाल ही हा और मुझे तब भी ट्रॉफ़ी मिली थी फुटबॉल लीग की तब मैंने ओ थ्री के अंदर विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ सर उमर जमान जो हमारे हेड ऑफ़ स्पोर्ट्स थे कॉलेज के अंदर उन्होंने मुझे गाइड किया था हाउ टू गेट इनटू एथलेटिक्स एंड क्रॉस कंट्री मेरा एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री में इसरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था क्योंकि वो वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थी और मुझे पता था कि दीज आर द स्पोर्ट्स इफ़ आई एक्सेल इन दैम एंड आई एम द बेस्ट इन दैम आई वुड रिसीव माई कलर तो मैंने थ्री पॉइंट्स बनाने थे टू गेट द ब्लेजर तो मेरे टू पॉइंट्स मैंने एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री को फोकस किया था और वन पर मैंने हॉकी को टारगेट किया था अपनी अब मैंने स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स को साथ साथ रखा था ताकि एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे ना हो जाए मैं क्रॉस कंट्री के लिए सुबह सुबह फाइव एम उठता था और एजन कॉलेज पहुँचता था फाइव थर्टी तक और वहाँ पर मैं हर रोज़ सुबह टेन किलोमीटर भागता था एजन के रूट पर जो हमारी क्रॉस कंट्री का रूट होता है मंडे टू सैटरडे में भागता था संडे मेरा रेस्ट होता था और मेरी फाइव थर्टी से मैं भागता था फोर्टी मिनट्स रनिंग करता था टेन किलोमीटर की और जब मेरे आगे टाइम होता था सेवन ओ क्लाक मेरी होती थी क्लास पहली तो मैं क्लास लेता था मेरी टू थर्टी छुट्टी होती थी थ्री टू फोर मेरी एथलेटिक्स की ट्रेनिंग होती थी और फोर टू फाइव मेरी हॉकी की ट्रेनिंग होती थी फाइव फाइव थर्टी फ्री होकर शाम को घर आता था फिर मैं अपने एकेडमिक्स को आगे फो, फोकस करता था ओ लेवल थर्ड ईयर के अंदर मैं फर्स्ट टाइम एथलेटिक्स की कॉलेज टीम में था और एचसन कॉलेज के अंदर एक किसी भी कॉलेज टीम में होना वाज इट्स सेल्फ एज अचीवमेंट और मैं मेरी फर्स्ट एवर कॉलेज टीम थी एथलेटिक्स की ओ थ्री के अंदर क्योंकि मुझे ट्रैक एंड फील्ड का शौक था मैंने ओ थ्री की जब हॉलीडेज मेरी आई थी एग्जाम्स के बाद तो मैंने उनमें पंजाब स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था जिसके अंदर मैंने अपनी एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड को ज़्यादा फोकस किया था वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करता था उसकी और क्रॉस कंट्री की तो जब लेवल का मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था तब एथलेटिक्स की कॉलेज टीम में काफ़ी मेरा अच्छा इम्पैक्ट हो गया था मैं एक सीनियर इम्पैक्ट था मैं हॉकी कॉलेज टीम में सिलेक्ट हो गया था और एथलेटिक्स कॉलेज टीम में सिलेक्ट हो गया था और साथ क्रॉस कंट्री भी करता था थ्री स्पोर्ट्स साथ मेरे जो क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स की बेस बनी थी ना क्योंकि मुझे साथ हंटिंग का भी पैशन है फ्रॉम माई फादर साइड मैं अपने फादर के साथ एज अर्ली एज से हंटिंग में जाता था जिसके अंदर हमारे पार्ट्रेज हंटिंग पे जब हम जाते थे तो हम वी हैड टू वॉक लाइक ट्वेंटी टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी किलोमीटर्स तो मैं पहले पहले तो जब छोटा था तो मैं एक डंडी पकड़ के चलता था उनके पीछे पीछे ही यूश टू शूट एंड आई यूश टू लाइक लर्न फ्राम हिम हिज मूवमेंट एंड एवरी थिंग तो वो मेरा चलना और इतने माउंटेन माउंटेन एरियाज़ पे हिली साइड्स पे वो डेजर्ट एरियाज़ पे ना मुझे एक मेरी स्टेमिना भी काफ़ी बन गया था और इस चीज़ ने मेरी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हेल्प मुझे किया था उस तरह क्रॉस कंट्री जो मेरा ए लेवल का फर्स्ट ईयर था उसमें फर्स्ट हमारी क्रॉस कंट्री हर साल होती है जिसके अंदर फाइव ईयर्स के बैचेस सीनियर स्कूल के भागते हैं टेन किलोमीटर्स उसके लिए मैं ट्रेनिंग करता रहा था पिछले तीन सालों से एन इन ए लेवल फर्स्ट ईयर में टू क्रॉस कंट्रीज होती हैं फ़र्स्ट के अंदर आई केम सेकेंड इन दैन द सेकेंड क्रॉस कंट्री आई केम थर्ड तो आपको क्रॉस कंट्री का कलर लेने के लिए गोल्ड कलर के लिए बहुत कंजेक्टिव क्रॉस कंट्री एंड वन ईयर में टॉप थ्री पोजीशंस में आना होता था तो मैं वाहिद था जो फर्स्ट के अंदर भी टॉप थ्री में था सेकेंड में भी टॉप थ्री में था तो मुझे उस साल का गोल्ड कलर क्रॉस कंट्री का मिला था और एथलेटिक्स का गोल्ड कलर मिला था ड्यू टू माई लॉन्ग जम्प और ट्रिपल जम्प के अंदर मैं फर्स्ट था और मैं साथ ट्रैक एंड फील्ड रेसेस भी करता था 400 मीटर्स और 800 मीटर्स की ए लेवल फर्स्ट ईयर का मेरा इस तरह था मेरे पास दो कलर्स थे लेकिन आई वज शॉर्ट ऑफ पॉइंट फाइव पॉइंट एंड आई कोडेंट गेट माई ब्लेजर सो आई हैड टू वर्क अगेन नेक्स्ट ईयर क्योंकि आपके हर साल पॉइंट्स आपके जीरो हो जाते हैं मेरा जो फाइनल ईयर था ए लेवल सेकेंड ईयर एच सन के अंदर फाइनल ईयर उसके अंदर आई वॉज द एथलेटिक्स कैप्टन मुझे एथलेटिक्स कैप्टनसी के लिए सेलेक्ट किया गया था कैप्टनसी का आपको इट्स सेल्फ जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट मिलता है तो आई हैड जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट ऑल्सो मैंने क्रॉस कंट्री के अंदर फिर मैं टॉप थ्री पोजिशन के अंदर आया था आई गॉट द गोल्ड कलर इन क्रॉस कंट्री हॉकी के अंदर आई वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ माई टीम एंड उसमें मुझे गोल्ड कलर मिला था और मुझे एथलेटिक्स का गोल्ड कलर मिला था तो विथ थ्री गोल्ड कलर्स एंड थ्री पॉइंट्स मैंने टू पॉइंट फाइव पूरे करने थे आई हैड थ्री पॉइंट्स एंड आई रिसीव द फुल कॉलेज स्पोर्ट्स ब्लेजर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसके साथ मेरे बैच में देर वर ओनली थ्री फुल कॉलेज स्पोर्ट्स प्लेजर्स मुझे मेडल मिला था लास्ट ईयर में जनरल उमर हयात मेडल कहते हैं इसको फॉर द बेस्ट लिविंग स्पोर्ट्स और ये सिर्फ पूरे फाइव इयर्स के बैचेस में एक ही बंदे को मिलता है उस साल का जो बेस्ट स्पोर्ट्स होता है तो अलहदुल्ला बाय अस ग्रेस ये मुझे मेडल रिसीव हुआ था फॉर बीइंग द बेस्ट स्पोर्ट्स मैन विद द हाइस पॉइंट्स फॉर दिस फुल कॉलेज स्पोर्ट्स प्लेजर ये मेरे बाकी मेडल्स हैं एट्सन की हिस्ट्री से तो इसके अंदर मेरे एथलेटिक्स के भी मेडल्स हैं मिक्स हॉकी से भी जो मेडल्स आए और जो क्रॉस कंट्रीज़ के अंदर पोजीशन मेरी जो आई थी उनके जितने भी मेडल्स थे तो ये उनका सारा एक सारे मेडल्स इकट्ठे किए हुए हैं स्पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी है लाइफ के अंदर प्रस्यू करने हर बंदे को करना चाहिए और हर बंदे को एक खेलना चाहिए कोई ना कोई स्पोर्ट अपने आपको डलच करना चाहिए क्योंकि आप इससे सीखते बड़ा कुछ हो मैंने अपने जब करता था चीसन के अंदर एथलेटिक्स क्रॉस करनी तो मैंने पंक्चुअलिटी सीखी थी कि सुबह सुबह टाइम पे उठना और टाइम पे ट्रेनिंग पे आना क्योंकि वहाँ कोचेज वेट कर रहे होते थे और बाकी आपके मैंने अपना वहाँ शो भी करना होता था और अपनी क्लास भी नहीं मिस करनी होती तो मुझे टाइम पर पहुँचना होता था और जी क्योंकि जल्दी जब उठना होता था मैं जल्दी सोता भी था तो मेरी एक स्लीप रूटीन भी काफ़ी अच्छी हो गई थी उसके साथ मेरी एक खाने की रूटीन भी अच्छी हो गई थी क्योंकि आपने फूड इनटेक अपनी अच्छी करनी होती थी डाइट कंट्रोल करनी होती थी तो मैंने वो भी काफ़ी अपना एक बॉडी को हेल्दी रखना भी सीखा था साथ साथ आप एक टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो और आप अपने एक करेक्टर बिल्डअप भी स्पोर्ट्स से आपका होता है बिकॉज़ एज मैं आखिरी साल के अंदर कैप्टन था एथलेटिक्स का आई हैड अ होल टीम अंडर मी जिसको मैंने उन, उनका टाइम देखना था कि वो टाइम पे पहुँचे हर चीज़ पे उनकी किट्स पे मेरे मेरे पे था कि उनकी किट्स उनको मिले उनको एक टुगेदर रखना है और अगर हम कोई मैच या फिक्चर हार रहे होते थे तो उनका कंपोजर किस तरह रखना है उनके अंदर विल पावर किसना बढ़ानी है और उनको मोटिवेट किसना करना है वो मैंने काफ़ी सीखा था और जो मेन चीज़ थी वो मैंने कम्युनिकेशन सीखी थी कि हर एक क्योंकि एचन के अंदर हर एक डिफरेंट जगह से लोग आए हुए थे सम केम फ्रॉम पेशावर बहावलपुर और उन सब का एक बीच में थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर भी था और थोड़ा एक शाइनेस वगैरह भी तो उनका वो एक कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेट करना वो भी मैंने सीखा था साथ जिस तरह मैं जब अपना अर्ली डेज से मैं एजुकेशन में मैं अपने सीनियर्स जिन्होंने ब्लेज़र चीव किया था उनसे बात करता था उनसे सीखता था इसी तरह व्हेन आई गॉट माय ब्लेज़र लोग मुझे भी आगे मेरे जूनियर्स मुझे बुलाते थे मेरे से गाइडेंस लेते थे कि मैंने किस तरह किया है मेरी स्टोरी सुनते थे और अपना एक मेरे से प्लान एडवाइस करते थे कि उनको क्या करना चाहिए इसी तरह मैं तो हर बंदे को एजुकेशन के अंदर और वैसे भी किसी और स्कूल में भी अगर किसी ने कुछ करना है लाइफ के अंदर तो बेस्ट चीज़ जो मेरे लिए थी वो है स्पोर्ट्स आप स्पोर्ट्स के अंदर डाल जो आप हर एक करेक्टर बिल्डअप सीखते हो आप हर एक नई चीज़ सीखते हो और ये काफ़ी एक अच्छा फैक्टर है इससे आप काफ़ी एक गुड लाइफ है और हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो और हर चीज़ में स्पोर्ट्स आपको हेल्प करती है चाहे टाइम मैनेजमेंट हो पेशेंस हो और लोगों से कम्युनिकेशन हो और वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाती है साथ में लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक फॉर द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली माई पेरेंट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स जब मैं जिस तरह मैं स्पोर्ट्स खेलता था मेरा वेट किया मेरे साथ वो आए मेरे फादर ने जिसना मुझे साथ, -साथ अपने खिलाया मुझे सिखाया अपने टाइम के लिए उनको मैं थैंक करना चाहता हूँ और जितने भी लोगों ने लाइफ में मेरी इस तरह सपोर्ट की है मदद की है और कभी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया तो और इन दी एंड अलहमदिल्ला तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले मुझे लगता नहीं था कि मैं ये अचीव कर पाऊँगा गोल मैंने एक सिर्फ गोल जेन में बनाया था और मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया था और सा अलहमदिल्ला ताला खुद मुझे रिवॉर्ड्स इसके देते रहे और इन दी एंड इट वाज नॉट इजी और बड़ा मुश्किल था लेकिन मैं मैंने गिवप नहीं किया मैं लगा रहा इस पर और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अलहमदुल्ला तपोर्ट्स प्लेजर लेके दिया और मेरा मेन फोकस स्पोर्ट्स प्लेजर का था उसके साथ उन्होंने बेस्ट स्पोर्ट्समैन का मेडल भी मुझे डलवा दिया था जिस जिसपे मेरा मेन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन बन पाऊँगा लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे फुल कॉलेज स्पोर्ट्स प्लेजर के साथ वो भी अर्न करने का एक मौका था फरमाया था Thank